हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रेषण वायु मार्ग द्वारा आयात किया गया है जिसका भाड़ा सहित लागत मूल्य कितना है? 50,000 अमेरिकी डॉलर, और फेयर दे रखा है $98, इंश्योरेंस कॉस्ट दे रखी है $1,200, प्रवेश बिल की तिथि पर एक अमेरिकी डॉलर बराबर 63.50 है और बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर दे रखी है 64.75 और आपको निकालना है शुल्क योग्य मूल्य। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ माल किससे आया है, वायु मार्ग से आया है। तो जब वायु मार्ग से माल आता है तो हम देखते हैं भाड़ा स्पेशली इसमें, क्योंकि भाड़े में जब हम देखेंगे तो भाड़ा दिया है आपको कितना यहाँ पर $98, लेकिन वायु मार्ग से आया है तो हम देखते हैं FOB मूल्य का 20% या एक्चुअल फेयर दोनों में से जो कम हो। लेकिन क्वेश्चन में आपको FOB मूल्य नहीं दिया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे FOB मूल्य। तो यहाँ पर CIF वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 50,000। जब आप FOB से CIF वैल्यू निकालते हैं तो फेयर और इंश्योरेंस को ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ CIF वैल्यू से FOB मूल्य निकालेंगे तो हम फेयर और इंश्योरेंस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अब अपन देखते हैं FOB मूल्य। CIF वैल्यू आपको दे रखी है 50,000, फेयर आपको दे रखा है $98, इंश्योरेंस दे रखा है $1,200, 50,000 में से हम ये 11,000 लेस कर देंगे तो हमारे जो FOB वैल्यू आ जाएगी 39,000। अब जब आपका FOB वैल्यू निकल चुकी है तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं शुल्क योग्य मूल्य, एसेसेबल वैल्यू। तो अपन लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, FOB वैल्यू में फेयर और इंश्योरेंस ऐड कर देते हैं। तो FOB वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट की है 39,000, इसमें हम फेयर ऐड करेंगे। फेयर को दोस्तों ध्यान से देखना है, क्योंकि वायु मार्ग से जब माल आता है तो हम एक्चुअल फेयर और FOB वैल्यू का 20% दोनों में से जो कम होता है वही फेयर लेते हैं। तो एक्चुअल फेयर आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, $98, और FOB वैल्यू कितनी आपकी, 39,000। तो 39,000 का 20% जो आपके निकलेगा 7,800। अब इन दोनों में से कम कौन सा है, 7,800, तो हम यहाँ फेयर कितना लेंगे, 7,800। इंश्योरेंस आपको क्वेश्चन में दिया है 1,200, तो हम ये 1,200 ले लेंगे। इस तरह से FOB वैल्यू में फेयर और इंश्योरेंस जोड़कर हम एक्चुअल CIF वैल्यू निकाली है आपने 48,000, लेकिन ये 48,000 किस में है, US डॉलर में है, तो इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर कितनी दे रखी है, 64.75। तो इसे 48,000 को हम 64.75 से मल्टीप्लाई करके CIF वैल्यू निकालेंगे किसमें, रुपीस में, जो हमारी आई है 31,08,000। अब हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन। निम्न सूचनाओं की सहायता से सीमा शुल्क मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है FOB वैल्यू, ओशन फेयर, इंश्योरेंस, एक्सचेंज रेट, डेट ऑफ प्रेजेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री ऑफ शिप, और बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट दे रखी है 10%, IGST की रेट दे रखी है 18%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दे रखा है 10%। क्योंकि इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको शुल्क योग्य मूल्य की गणना करनी होगी, एसेसेबल वैल्यू निकालनी होगी। तो हम सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू निकालते हैं। तो हमने लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि FOB वैल्यू कितनी दे रखी है। तो क्वेश्चन में FOB वैल्यू दे रखी है 74,000, तो हमने यहाँ लिखा है 74,000 US डॉलर।
इसमें क्या क्या ऐड करते हैं? इसमें दो चीज ऐड करते हैं, ओशन फेड और इंश्योरेंस फेड। अब यहाँ पर कौन सा दे रखा है? ओशन फेड। ओशन फेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओशन फेड अगर दे रखा है तो जो भी एक्चुअल फेड दिया है वो एक्चुअल फेड ले लेंगे, और इंश्योरेंस आपको दे रखा है उस इंश्योरेंस को भी लेकर इसमें एफओबी में हम ओशन फेड और इंश्योरेंस ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी सीआईएफ वैल्यू आ जाएगी 84,740। ये किस में आई है? आपके यूएस डॉलर में आई है। इस यूएस डॉलर को हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रुपीज में कन्वर्ट करते वक्त यह देखेंगे कि हमें एक्सचेंज रेट कौन सी वाली लेनी है, 60.40 लेनी है या 64.75 लेनी है। अब यहाँ पर अगर डेट देखते हैं तो यहाँ पर दे रखा है 2 अगस्त 2019 और ये दे रखा है 6 अगस्त 2019। अगर डेट के अकॉर्डिंग देखें तो आगे वाली डेट है हमारी 6 अगस्त 2019, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल प्रेजेंट करने की डेट है 2। जब भी आप एक्सचेंज रेट लेंगे तो इसमें ये देखना है आपको कि आपने बिल कब प्रस्तुत किए हैं। तो बिल कब प्रस्तुत किया आपने? 2 अगस्त 2019 को। तो एक्सचेंज रेट भी कौन सी वाली लेंगे? जब आपने बिल प्रस्तुत किए हैं। तो बिल प्रस्तुत करने की दिनांक कौन सी है आपकी? 2 अगस्त 2019। और इस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या थी? 60.40। तो हम जब सीआईएफ वैल्यू को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लेंगे 60.40। इस तरह से आपकी रुपीस में एसेसेबल वैल्यू आ जाएगी 51,18,296। ये हमारी निकल गई है एवी। अब एवी की सहायता से हम निकालेंगे कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी निकालते हैं, तो आपने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए हम सबसे पहले बीसीडी देखते हैं। तो बीसीडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 10%। बीसीडी हमेशा एसेसेबल वैल्यू पर निकलता है, और एसेसेबल वैल्यू आपकी कितनी आई है? 51,18,296। तो हम यहाँ एवी लेंगे 51,18,296 का कितना परसेंट? 10%, जो आपके निकलेगा 5,11,829.60। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हम किस पे लेते हैं? बीसीडी पर। और बीसीडी आपकी कितनी निकली है? 5,11,829.60। इसका हम ले लेंगे 10%। 10% जो निकलेगा वो निकलेगा 51,182.60। यह दोनों निकालने के बाद हम निकालेंगे IGST, इंटेग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 18%। ध्यान रखना है IGST जब आप निकालेंगे तो उसमें आपको क्या क्या लेना है? एवी प्लस बीसीडी प्लस SWS। SWS मीन्स सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इन तीनों ही अमाउंट को ऐड कर उसका निकालेंगे 18%। इस प्रकार एवी कितना था आपका? 51,18,296। बीसीडी कितना आया है? 5,11,829.60। सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना आया है? 51,182.96। इन तीनों ही को ऐड कर उसका निकालेंगे हम 18%, जो आपका निकलेगा 56,81,308.56। इसका जब हम 18% निकालेंगे तो वो निकलेगा आपके 10,22,635.54। अब हम बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और IGST तीनों को ऐड कर लेंगे तो वो कहलाएगी हमारी टोटल कस्टम ड्यूटी, जो आपकी निकली है 15,85,648.10। और इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी राउंड फिगर में निकलेगी 15,85,648। थैंक यू।